हेलो एंड वेलकम बैक। हम चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, हेरिडिटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, कैसे हेरिडिटी कैरेक्टर्स एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाते हैं, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। आज हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इवोल्यूशन क्या होता है? टू इवॉल्व मीन्स वॉट? नया जब ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं क्या, या उनमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो क्या कुछ सिमिलर चेंजेस हैं क्या पिछले जनरेशन से, और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है तो इसमें क्या नया इवॉल्व हो रहा है, ये इसको कहते हैं हम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में जब हम पढ़ने जाते हैं तो हम ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वी हैव इवॉल्व फ्रॉम मंकीज़। ये एक आपने लाइन बहुत बार सुनी होगी कि जो मंकीज़ एप्स जो थे वो हमारे फोर फादर्स थे या हमारे एंसिस्टर्स थे, ऐसा बोला जाता है। एंसिस्टर्स उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो आज ह्यूमन बींग हमें दिख रहा है, आज आदमी जो दिख रहा है, वो बहुत साल पहले, बहुत जनरेशन्स पहले बंदर जैसे दिखता था। अब जब बंदर जैसे दिखता था उसके बाद उनमें कुछ चेंजेस आते गए और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये चेंजेस डेवलप होते गए और आज जो आपको ह्यूमन बींग दिख रहा है या आदमी दिख रहा है, इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। सो हम ये कह सकते हैं कि एप्स या मंकीज वेयर आवर एंसेस्टर्स, राइट? सो इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ने जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए कि इवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं। अब हम चेंजेस की इतनी बात कर रहे हैं तो चेंजेस किस में आते हैं? आप में, मुझ में, ये चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा बॉडी डिज़ाइन है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ रहे हैं? सो आप पूछेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सो कैरेक्टरिस्टिक जब मैं कहती हूँ तो आप कहते हैं कि आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस हो सकता है या आपका इनबिल्ट कैरेक्टर हो सकता है या आपका ऐसा कुछ पार्ट हो सकता है बॉडी का जो आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का, बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक होता है जो आपको एक पर्टिकुलर डिवीजन में हम उसको डाल सकते हैं। जैसे फिशेस की बात करें तो वो सिर्फ पानी में तैर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो मैमल्स हैं। तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, तो इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में क्या डिफरेंस है? और इस इवोल्यूशन में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आया है क्या? एक इवोल्यूशन पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारे पिछले जनरेशन्स के बारे में जब पता लगेगा तो ही हम आज के डिफरेंसेस, आज के चेंजेस को पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे। सो इवोल्यूशन पढ़ना एक, हम कह सकते हैं हमको इवोल्यूशन तभी हम पढ़ सकते हैं जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें। अब मैं जब बोलती हूँ क्लासिफिकेशन, सो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मतलब हमें ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है या हमें ऐसा कुछ दिखा रहा है जो हमारे इवोल्यूशनरी रिलेशंस में होगा। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि मैं ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रही हूँ या मैं फ्रॉग्स के बारे में पढ़ रही हूँ या मैं पक्षी के बारे में पढ़ रही हूँ, तो उनमें पिछले कुछ जनरेशंस में क्या रिलेशन था? क्या उनके विंग्स थे? क्या उनके फोरआर्म्स थे? फोरआर्म्स तो पहले थे फिर विंग्स बन गए, तो इस टाइप का कोई रिलेशनशिप था, उसको पढ़ने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में और बोल रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में हम ये कह सकते हैं, क्या वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे? क्या वो मल्टीसेल्यूलर थे? क्या उनमें न्यूक्लियस था? या न्यूक्लियस था तो मल्टीसेल्यूलर, अगर न्यूक्लियस भी था मल्टीसेल्यूलर भी था तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे या उनको उनमें ऐसे कैपेबिलिटी थी कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए? सो इस तरह के जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, इस तरह के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमको आसानी हो जाती है कि एविडेंस का प्रूफ ढूंढने के लिए। इस तरह का जब हम एविडेंस की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली प्रूफ की बात कर रहे हैं। प्रूफ की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये रिलेशन को पढ़ना है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज जो ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे हैं वो कैसे इवॉल्व होके आए हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस होके ये आए हैं। सो जब हम क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है।
जब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम, जैसे मैंने बोला, यूनिसेल्युलर है क्या, मल्टी सेल्युलर है, कि फिजिकल अपीयरेंस सेम है, कि क्या उनके चार लिम्ब हैं, क्या वो धरती पर रह सकते हैं, क्या आकाश में उड़ते हैं, या पानी में रहने वाले प्राणी हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्या वो सिंगल सेल्ड हैं तो न्यूक्लियस है या नहीं है, मल्टी सेल है तो वो क्या डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स हैं। सो इन सब बातों को जब हम समझते हैं तो हम उनको कहते हैं हम क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम समझ सकते हैं कि ये इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हमें काफ़ी पहले के जनरेशन्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उन स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये देखना होता है कि उनका पेरेंट कहाँ से आया है या कहाँ से वो शुरुआत हुई है। जब मैं कहती हूँ पेरेंट कहाँ से आया है, तो एक मैं सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप और आपके भाई या बहन घर पे, जब दो या भाई, दो या तीन भाई बहन हैं, तो वो रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं। जब मैं बोलती हूँ रियल ब्रदर सिस्टर्स, मतलब आप एक ही पेरेंट से पैदा हुए हैं, ठीक है। अब जब मैं बोलती हूँ कि आपके कजिन्स, या आप कह लो आप चाचा के बेटे या बेटी, या मामा के बेटे या बेटी, या ऐसे कोई रिलेशन में है, इमीडिएट रिलेशन में है, आप उनको कजिन्स बोलते हैं। वो आपके ब्लड थ्रू जनरेशन ब्लड रिलेशन है, लेकिन वो कॉमन पेरेंट्स नहीं हैं। क्यों? आपकी जनरेशन में कॉमन पेरेंट्स हैं नहीं हैं, लेकिन उनकी जनरेशन में वो कॉमन पेरेंट्स थे, राइट? तो क्या मतलब है, आपके फादर और आपके चाचा जी वो एक ही पेरेंट्स से आए हैं, राइट? लेकिन आप और आपके कज़िन दोनों अलग सेट ऑफ पेरेंट्स से आए हैं, तो आप हुए फर्स्ट कज़िन्स। तो जब हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम यही फैमिली ट्री पढ़ते जाते हैं कि कहाँ से एंसेस्टर शुरू हुआ, कौन से जनरेशन में कॉमन एंसेस्टर थे, फिर कैसे वो डिवाइड हुए। तो जब हम कजिन्स की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारे माँ बाप का रिलेशन था, रियल ब्लड ग्रुप, ब्लड का रिलेशन था। लेकिन हम जो हैं आज के जनरेशन में, जब हम कजिन्स की बात करते हैं तो हमारे सिर्फ पेरेंट्स अलग अलग हैं जो कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, हम अलग अलग पेरेंट्स से आए हैं। सो जब मैंने आपको कजिन्स का एग्जाम्पल दिया तो आप ये समझ जाइए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिमिलैरिटी देख रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रहे हैं जो कॉमन थे, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इवोल्यूशन की क्या एविडेंस है, बताइए क्या एविडेंस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये पूछ सकती हूँ, दो मार्क का क्वेश्चन, व्हाट आर द एविडेंसेस दैट इवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस, राइट? सो हम कह सकते हैं व्हाट आर द एविडेंसेस। तो एविडेंसेस इस तरह से भी हो सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनके फंक्शंस अलग होते हैं, ओके? जहाँ स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शंस अलग होते हैं, उनको हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमो मीन्स सेम, लॉगस मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर है, तो सेम स्ट्रक्चर, ओके? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। अब कॉमन एग्जांपल है फोर लिम्स। फोर लिम्स मीन्स ये पहिए वाले लिम्स जो होते हैं, इनको तो हम हिंदी में हाथ कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसको हम फोर लिम्स और नीचे पैरों को हाइंड लिम्स कहते हैं। ये जो फोर लिम्स का काम है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम दो पैरों पे खड़े होकर काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी के एनिमल्स हैं वो चारों पैर यूज़ करते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। सो ये फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग है, बर्ड है, ह्यूमन बींग्स हैं, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शंस अलग हैं। कैसे हो गया? सेम स्ट्रक्चर है फ्रॉग का, सेम स्ट्रक्चर है फ्रॉग का, भी लिम्स हैं सामने की तरफ से ही, उनके स्ट्रक्चरल उनका डिज़ाइन वही है, लेकिन सिर्फ छोटे होते हैं। बर्ड्स, जो मैं बर्ड की बात कर रही हूँ, बर्ड के जो फेदर आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली वो फोर लिम थे, वो जो मॉडिफाई होके विंग्स बन गए हैं, वो मॉडिफाई होके विंग्स बने हैं। उनका अगर आप बोन स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बोन स्ट्रक्चर वैसे ही कंधों के द्वारा वहाँ से निकला हुआ है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनका फंक्शन अलग है। ह्यूमन बींग्स के भी हाथ हैं, हमारे हाथों का हम लोग इस्तेमाल अलग करते हैं, फ्रॉग अपने फोर लिम्स का इस्तेमाल अलग करते हैं और बर्ड अपने फोर लिम्स का इस्तेमाल अलग करते हैं। सो हम जब ये बोलते हैं कि उनका स्ट्रक्चर सेम था लेकिन फंक्शन अलग है, तो हम उनको कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। ऐसे हम अगर जनरेशन पीछे जाएं और ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ जिसका स्ट्रक्चर तो सेम था लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग होते गए,
तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम इनको रिलेट कर सकते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के अंडर हम उनको स्टडी कर रहे हैं। सो ये हो गया कि एक तरह से हम कुछ एनिमल्स को, कुछ प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्ट्रक्चर्स तो सेम हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर सेम हैं, लेकिन उनके फंक्शंस बहुत अलग हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। दूसरे टाइप का होता है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस मीन्स, एना मीन्स डिफरेंट। सो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट है स्ट्रक्चर, एक जैसा नहीं है लेकिन फंक्शन बहुत सेम है। सो उनको हम कहते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। तो जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स के विंग्स होते हैं, फेदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, या विंग्स की बात कर रही हूँ। जो विंग काम करते हैं वो उड़ने के काम करते हैं, मतलब बर्ड जो भी चिड़िया है, कौवा है, पिजन है, वो क्या करता है अपने विंग्स से अपनी बॉडी को पूरा उठाता है और फ्लाई करता है। वैसे भी इंसेक्ट्स में आपने देखा होगा इंसेक्ट्स, मच्छर हो गया, या आप कह लो कि छोटा सा हाउस फ्लाई हो गई, आप उनको, उनके छोटे छोटे जो विंग्स होते हैं वो जल्दी 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 वो फ्लैप करते हैं जिससे वो भी उड़ पाए। उनके फंक्शंस सेम हैं, तो फंक्शंस उड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो विंग्स हैं ये तो स्ट्रक्चर कहाँ से आया है, मॉडिफाइड फोर लिम्स। और विंग जो इंसेक्ट्स के जो छोटे विंग्स हैं वो स्ट्रक्चर मॉडिफाइड फोर लिम्स से नहीं है। सो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं लेकिन फंक्शन सेम है। सो इन ऐसे टाइप के ऑर्गन्स को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। सो एनालॉगस ऑर्गन्स और होमोलॉगस ऑर्गन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एविडेंस की बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन के एविडेंस की बात करते हैं, तो ये दो टाइप के ऑर्गन्स की बहुत इंपॉर्टेंस देखी गई है जहाँ पर हम इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं और स्टडी के करने के बाद हम कोई कंक्लूजन में पहुँच सकते हैं कि हाँ कुछ जनरेशंस तक इनके ऐसे थे फंक्शंस, धीरे धीरे वो चेंज होने लगे तो हम उनको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा एविडेंस हम कह सकते हैं फॉसिल्स। अब आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में फॉसिल्स क्या होता है। फॉसिल्स एक्चुअली जो रिमेन्स होते हैं, जो स्ट्रक्चरल रिमेन्स होते हैं, वो फॉसिल्स हमें पंजों के भी फॉसिल्स मिलते हैं, हमें फिशेस के भी फॉसिल्स मिलते हैं, हमें बोन्स के फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स होता है कि जो भी चीज़ें, ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं उनके बाद उनके जो रिमेन्स नीचे गड़ जाते हैं, मतलब आप कह लो ओवर द टाइम बहुत सारा टेम्परेचर प्रेशर रहता है, ऊपर से पानी या रेत या सैंड या सॉइल जमा होता जाता है और बहुत सालों तक, जनरेशन तक वो दबते जाते हैं, तो वो इम्प्रेशन ऐसे के ऐसे मिल जाते हैं। कभी कभी बोन्स हमें ऐसे मिलते हैं, कभी कभी अंडर द सी आपको रॉक्स के ऊपर सी या जो भी एक टाइप का फिश होता है उनके पंख मिलते हैं या उनके गिल्स मिलते हैं या उनका इम्प्रेशन मिल जाता है। ये जो भी इम्प्रेशंस होते हैं, जो भी रिमेन्स होते हैं हमें मिलते हैं अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अंडर द सर्फेस ऑफ द सी, तो हम उनको कहते हैं फॉसिल्स। जो फॉसिल, अब सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर ग्राउंड पर रहती हूँ और बहुत नीचे जो फॉसिल्स हैं वो बहुत जनरेशन्स पहले बने होंगे, और थोड़े जो ऊपर के लेवल से यहाँ तक फॉसिल्स मिले हैं मतलब वो कुछ साल पहले बने होंगे। आपको तो मालूम है कि सॉइल जो बनता है, जो हमारी मिट्टी बनती है, उनको सालों लग जाते हैं एक लेयर की मिट्टी बनने में। तो जैसे मिट्टी बनती जा रही है सो सालों से जब कुछ जमा होता जा रहा है, सॉइल जमा होती जा रही है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो इट गेट्स इनग्रेव्ड इनसाइड, और नीचे कोई स्टोन होगा या कहीं पर किसका जिसका इम्प्रेशन मिल सकता है उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। लेकिन फॉसिल्स को मिलने, फॉसिल्स का मिलना और एवोल्यूशन का स्टडी में क्या रिलेशन हो सकता है, बहुत ज़रूरी है। हम जितना डीप हमको फॉसिल्स मिलते हैं हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने साल, कितने जनरेशन्स पहले ये वहाँ पर बरी हो चुके हैं या मिल चुके हैं, और हम उनको कोरिलेट करेंगे आज के ऑर्गेनिज्म से। सो फॉसिल या फॉसिलाइजेशन जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द एविडेंस है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन का प्रूफ है, वन ऑफ देम इज फॉसिल। सो प्रूफ के जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, आप ये लिख सकते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स पाए गए हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स पाए गए हैं, फॉसिल्स पाए गए हैं जो हमें एविडेंस के रूप में सामने आए हैं और हम कह सकते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है।